अगर आपके ऊपर राजनीतिक पहुंच वालों का हाथ है तो आपका कोई भी काम पलक झपकते हो जाएगा। आप किसी को भी झूठे मामले में फंसा दीजिए या किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लीजिए, जिसे चाहे उसे धमका दीजिए। अगर आपके पास ना तो धन है और ना बल और ना ही राजनीतिक संरक्षण, तो आप दर बदर भटकते रहिए। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है रीवा जिले में। ताजा मामला चौराहटा थाना क्षेत्र का है, जहां आए दिन मनगढ़ंत मामले गढ़कर लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट न्यायालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जबकि पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप लगाने वाले चौराहटा थाना क्षेत्र के खड्डा निवासी जय हिंद सिंह हैं, जो विगत कई माह से पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वह गाँव में एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसके दुकान में नशेड़ी और अपराधी प्रवृत्ति के लोग फ्री में सिगरेट नमकीन लेने आते हैं, ना देने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित के भाई की पहले भी हत्या करवा दी गई थी और नाम सड़क दुर्घटना का दिया गया था, अब उसी तरह का हाल करने की उसे भी धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने बताया कि पुलिस उसी के ऊपर दबाव बना रही है। इसकी वजह यह है कि वह कार्यवाही ना होने के चलते 181 में शिकायत कर दिया है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों को खुली छूट दे रखी है कि तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो, पुलिस जय हिंद सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करेगी। पीड़ित अपनी जान का खतरा समझकर इधर उधर न्याय की गुहार लगाते भटक रहा है। आइए सुनाते हैं पीड़ित की आप बीती और सुनते हैं कौन लोग हैं जो उसके जान के पीछे पड़े हैं। जय हिंद सिंह, बताइए जय हिंद सिंह, आपको कौन परेशान करता है और पुलिस क्या सहयोग कर रही नहीं कर रही, क्या आपको कह रही है वो चौराहटा पुलिस? चौराहटा पुलिस सर, आज मैं एक महीने से मतलब ये आवेदन एक ये है और एक और FIR है मेरी, हाँ, विकास सिंह के नाम से FIR है, सुरवंत सिंह के नाम से CSP ऑफिस में आवेदन है। हाँ। अभी तक ये दोनों आवेदन मतलब FIR आवेदन के जो आरोपी हैं, तो मतलब इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल नोटिस बस भेजी गई है विकास सिंह को। हाँ। ये आवेदन आज इनको मतलब 2 महीने करीब सुरेंद्र सिंह वाला जो है आवेदन मिले हो गया, पर अभी तक इसमें भी कोई न जांच पड़ताल न कोई पूछताछ। क्या करते हैं आपको, किस तरह से परेशान करते हैं ये लोग? ये लोग मेरे को आज एक महीने से मतलब अगले 21 से लेके अभी 21 तक में अभी तक जो है इनकी साजिश जो है तो मेरे को जान से मारने की है, एक्सीडेंट का रूप देकर, और ये जो है तो जान से मार करके मतलब चीर घर में ले जाकर घास में फेंक देने की इनकी पूरी योजना, क्योंकि एक बार मैं इसके पहले भी अपने भाई के साथ इस घटना से मैं मतलब गुजर चुका हूँ। मेरी भाई की 2013 में 9 दिसंबर 2013 में मतलब जो है तो एक्सीडेंट कराया गया था, और बस से एक्सीडेंट का हर बार बस से हुआ था, आज तक उसका कोई मतलब ये नहीं पता चल पाया कि मतलब कौन एक्सीडेंट कराया और कौन ले जाकर के चीर घर में फेंक के आ गया, आज तक मेरे को जानकारी नहीं हुई। क्या कहते हैं वैसे तुम्हारा करेंगे? जी मेरे भी यही सेम उसी डेट को 9 दिसंबर 2022 को ये लोग पूरी मतलब अपने लोकेशन पे लेके रखे थे कि मैं गांव से जैसे ही रीवा आऊँगा वैसे इसको भी उसी तरह मार करके एक्सीडेंट का रूप दे करके और चिड़घर में फेंक आऊँगा, पर मैं नहीं आ पाया, नहीं आया अपने दिमाग से कि मतलब कुछ न कुछ आज गड़बड़ है, मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। क्यों चाहते हैं या फिर क्या विवाद है, क्या दुश्मनी है इनका? विवाद मेरा जो है तो ज़्यादा कोई खास है नहीं, पर ये दुकान में आते हैं और यहाँ पर मतलब लोगों को उकसाते हैं मेरे से झगड़ा करने के लिए, उधार ले करके या तो मतलब दारू पिया करके या तो खुद आकर दारू पी करके मेरे से झगड़ा करते हैं, और एक FIR हो चुकी विकास सिंह के नाम, अभी तक उसमें केवल नोटिस भेजा गया है। सुरेंद्र सिंह पटेल कौन है जो धमकी दे रहा, पत्र लिखे हैं ये SDM को? सुरेंद्र सिंह पटेल गाँव के हैं, खड्डे के हैं, इनका जो है तो इसके पहले जो है तो दारू का पैर राखी मतलब के पहुंचाना वाला काम करते थे, मतलब हर एक जगह गांव गांव में दारू पहुंचाते थे, भिजवाते थे। इस टाइम पे अभी 3-4 महीने से छोड़ दिए ये काम और इस टाइम पे खेती किसानी में अपने लगे हैं। पुलिस से आपने बताया तो पुलिस मदद नहीं कर रही है आपकी? बिल्कुल नहीं सर, पुलिस जो है अविनेश पांडे संतोष सिंह दुबे द्वारा मेरे को जो विकास सिंह को नोटिस भेजा गया था उस पे बोले कि मतलब 26 तारीख की मतलब इसी 11वें महीने की बात है, बोले कि उसकी जमानत है, आओ उसकी जमानत रुका दो। हाँ। जबकि उसके 2-3 दिन पहले मेरे वो दुकान आया था विकास सिंह मोहित सिंह,
और विजय सिंह, तीनों लोग मेरे दुकान के सामने मतलब 5:30 बजे के पास खड़े थे। मैं जैसे ही दुकान खोलने गया, अपनी दुकान की झाड़ पोछाई करके दुकान चालू करूं, ऐसे वैसे ही ये मेरे ऊपर टूट पड़े, दौड़ा लिए मेरे को, मैं भाग के अपनी जान बचाया। उसी टाइम पे मैं 100 नंबर को भी लगाया, 100 नंबर के अलावा यहाँ थाना प्रभारी को भी लगाया, SP साहब को भी लगाया। इसके बाद SP साहब को ऑनलाइन मतलब मोबाइल द्वारा मैंने आवेदन भी भेजा कि ये लोग मेरे गांव में ऐसे ऐसे और इनके साथी लोग मतलब गांव के बाहर भी जो हैं ये लोग ऐसे ऐसे मेरे को आज 21 तारीख को जो है तो अनूप सिंह सुंदर नगर इनके द्वारा कलेक्ट्रेट में मैं गया था पेशी करवाने अपने मैडम को लेकर के, वाइफ को लेकर मतलब मिसेज को लेकर के। तो वहाँ पर ये पहुँच करके मेरे को जो है तो ज़बरदस्ती 4 पहिए बैठा रहे थे, जबकि मैं इनको एक अपने मतलब प्लाट लिया था जगह में उस पे भी मतलब मैं इनका लेन देन पूरा ओके करके रखा था। ये फिर विवाद आखिर काहे का है, जब कह रहे हैं अब कोई बड़ा विवाद भी नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं आप, इनके जो ये नंबर दो काम करते हैं उसमें रोक लगाते हैं या कोई शिकायत करते हैं, क्यों मारना चाहते हैं, जमीनी विवाद नहीं है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सर? मतलब जैसे अब ज़्यादा मैं खास मतलब जो बात है सही ढंग से मैं नहीं जान पाऊँ मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर मेन विवाद यही है कि सुरेंद्र सिंह जो उस दिन मेरे को मारपीट हुई मेरे दुकान में सुरेंद्र सिंह किया, पैसे की वजह से 500 रुपये की वजह से गाली गलौज किया, रास्ते में साय मोड़ के पास 4 आदमी को लेकर के घेरा, गाड़ी की चाबी निकाली मेरे साथ। मैं उस टाइम पे बोले कि थाना तुम जा रहे हो शिकायत करने, तो मैं बोला शिकायत करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने कमरे जा रहा हूँ। 29/9/2022 को मैं थाने गया था, पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई ना, मतलब किसी तरह से कोई सहायता किया गया। इसके बाद मैं कुछ नहीं किया, अपने हिसाब से रहा चलता रहा, पर मुझे पता था कि सुरेंद्र सिंह कैसा आदमी है, कैसे क्या क्या कर सकता है, कैसा क्या किसका संरक्षण है, कैसे नंबर दो राजनीति से जुड़ा हुआ है, गुंडा हर एक लाइन से वो है सक्षम, चाहे जिस लाइन से आप ले लीजिए, चाहे गुंडा से, चाहे राजनीति से, चाहे जिस तरह से ले लीजिए सर, उसके पास हर एक प्रकार के आदमी है, हर एक प्रकार से वो सक्षम है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आवेदन भी दिया है। आप अभी बताएं कि आप बताएं कि उनको छूट दे दी है कि इसको मार दो, कुछ भी कर दो। जी अभी परसों गए थे गाँव में, एक डग्गा जी के साथ गए थे पुलिस, तो किस साजिश से कैसे ये लोग बुलाए थे मुझे नहीं पता, पर ये मुझे पता चला है कि गाँव के ही लोग बताए हैं। हाँ। मेरे घर में भी गए थे कि 181 कंप्लेंट बंद करा दो, नहीं तुम्हारी बच्चे को और तुम्हारे आदमी को मेरी मम्मी से बोले कि उछा ले जाएंगे, थाना भेज देंगे। अच्छा, आपने 181 की शिकायत की है पुलिस की, कार्रवाई नहीं कर रही? जी हाँ। और इसके बाद वहाँ पर मेरे को गाली भी दे रहे थे पुलिस वाले कि मतलब ऐसा ऐसा तुम्हारा बच्चा है, और वहाँ पर गाँव में जो अपराधी प्रकृति विकास सिंह है और छोटू सिंह है, कमलेश सिंह का लड़का है, ये दोनों वहीं पर मेरी दुकान के पास बैठे थे, यही लोग दोनों रोक करके और मतलब बताए हैं घर पूरा कि ऐसा ऐसा है, यही दुकान अभी आएगा 1-2 घंटे से, इसको ले जाइएगा। पर अभी मतलब वहाँ पर ये भी बोले कुछ लोग बताए गांव के कि मतलब ऐसा बोल के गए हैं इन लोगों से कि जय हिंद को जान से मार दो, तो इसकी ना हम जय हिंद की रिपोर्ट लिखेंगे ना तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, ना अभी तक कोई तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं देखिए इतना ज़्यादा ना पढ़ा लिखा हूँ, मैं 9वीं तक पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मुझे ज़्यादा आवेदन वेदन इस सब चीज़ से मुझे नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट, मैं क्योंकि धंधा लाइन के बारे में जो कहें तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हल्का जानकारी दे सकता हूँ।